ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। केजरीवाल ने हमेशा पंजाब अती सिखा दे खिलाफ ही फैसले लए ने। इस मामले ते भगवंत मान ने भी जवाब दिता है, पर सब तो पहला हरसिमरत कौर बादल दा बयान ही सुन लवो। केजरीवाल जिहड़ा हैगा ए पंजाब ते सिख विरोधी ने, अदालत च हलफनामे दे नाल साडे खिलाफ लड़ रहे ने कि साडा पंजाब दा पानी दिल्ली नूं दित्ता जाए, साडे थर्मल प्लांट बंद कीते जाए, साडे किसानां दे उत्ते करोड़ां दे जुर्माने लाए जाए, ते प्रोफेसर दविंदर पाल भुल्लर जी दी फाइल लगातार उन्होंने रिहाई नूं रोक के, ये बिल्कुल साफ है कि वह सिखां दे खिलाफ ने। अज ताईं एक सिख मंत्री नहीं बनाया, किसी बोर्ड का चेयरमैन तक सिख नहीं बनाया, स्कूलों तो पंजाबी दी मानता नूं खत्म करता, पंजाबी दी टीचरां नूं कटता, ये पंजाब विरोधी नहीं है। तो पंजाब अमेठी के सारे फर्जी शैम पोल्स है, जिवें 2017 चे सीगे, अज दिल्ली दे लोकां दे पैसिआं दे नाल पूरे पंजाब चे देश चे प्रचार कर रहे ने। हुण वही प्रचार दे चाहते हैं कि पंजाब दे पैसे नाल होर दूजे सूबे च करन, बिल्कुल शैम, बिल्कुल गलत। श्रोमणी अकाली दल दी बहुत वड्डी बहुमत दे नाल सरकार बन। जदों भगवंत मान तो प्रोफेसर दविंदर पाल दी रिहाई बारे पुछया गया तो उन्हें कहा कि दिल्ली दी आप सरकार ने दविंदर पाल दी रिहाई दा ही पक्ष पूरिया है, पर दो जजां अते पुलिस कमिश्नर दे वल्लों इस नूं खारज कीता गया है। देखो गल ये है, उहदे च ना जिहड़ा बोर्ड है, जिहड़ा रिहाई वाला जिहड़ा कैदियां दी जिहड़ा बोर्ड है, समीक्षा बोर्ड, उहदे विच दो जज ने, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर है ते एक चीफ सैकटरी है। दिल्ली का होम मिनिस्टर सतेंद्र जैन उहदे विच उस कमेटी च है। जदों 2 मार्च नूं मीटिंग हुई, सतेंद्र जैन ने कहा जी सेंटर सरकार ने आपां नूं कहा, MHA ने कहता, होम मिनिस्ट्री ने, तो आपां नूं कोई प्रॉब्लम नहीं, मानवता के आधार पर उन्हां नूं छड्ड देना चाहिए। पर जिहड़े दोनों जज सी, जिहड़े कि सेंटर गवर्नमेंट वालों अपॉइंटेड ने, ते दिल्ली दा पुलिस कमिश्नर, वो कहिंदे नहीं ये तो बहुत खतरनाक है, तेरे च कसूर कीदा, फिर साडे वालों कोई प्रॉब्लम नहीं है, अज बुला लो दोबारा रिव्यू मीटिंग है। दिल्ली सरकार का पक्ष यही है। उही मनजिंदर सिरसा जिहड़ा एक दिन पहले कहिंदा सी ऐ होजू ऐ होजू, अगले दिन गाला कढ़न लग गया। मनजिंदर सिरसा जी नूं मैं कहना चाहुंदा, कृपा करके अमित शाह जी नाल गल करके उन्हां अफसरां नूं मना लो, ताकि मानवता दे आधार ते जिहड़ा उन्हां दी रिहाई हो सके। देखो मैं यह कर सकता, मैं हर रोज जिन्हें मेरे को पासपोर्ट आते हैं मैं उत्थे विदेश मंत्रालय च भेज दिना, संपर्क भी होंगे ने, उन्होंने आ भी रहे ने, पर जिस तरीके मतलब कढ़े जा रहे ने कि तुसी 20,000 बंदा 250 एक दे विच एक प्लेन 250 आंदा, हर 2-3 फ्लाइटा क्यों जाए, ठीक है ना, तो नाले इनू तुम ये क्यों कहने कि उन्होंने कट लिया, तुम तो यह कह रहे हो कि तुर के उत्थे आ जाओ 1400 किलोमीटर, उतो तुम ले जाएंगे, वो जो उत्थे तक आ ही गए हो वह तो फिर कोई भी फ्लाइट लेके आ जाएंगे, तुम लैके आने का प्रबंध करो ना उतो, उन्होंने वो 1200-1200 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, ठीक है ना, कहीं टैक्सियां गड्डिया नहीं चढ़न दिते जाते। सो जे कढ़ने ने तो जिम्मे बहरले मुल्क होर मुल्क लेके गए ना, उस तरह इज्जत ना उन्होंने लेके आओ, ना कि पटाल कलां दा मुंडा जिहड़ा उत्थे फसिया जिहड़ा 800 किलोमीटर पैदल चल रहा है, 1 लाख रुपया तो बॉर्डर तक जाने की डेढ़ टैक्सी, फिर उहदी हैल्प की नहीं की है, भारत सरकार कि मैं कहती असं कट लिया, वो तो आप आ रहा है, जो पोलैंड च हंगरी च जा रोमानिया च आ गए फिर तो जिहड़ी मर्जी फ्लाइट मिल जूगी। सानू बल्क दे विच एक दिन च घट्टो घट 50-60 फ्लाइटा आन, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰੰਟ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਬ ਉਪਲਬਧ ਹੈ 1100 ਪਲੱਸ ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਪਰ ਐਨ ਐਂਡਰੋਇਡ ਬੇਸਡ ਡੀਟੀਐਚ ਸਮਾਰਟ ਸੈਟਅਪ ਬਾਕਸ ਸਭੀ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 24 ਘੰਟੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖੇ ਹਮਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਸ ਪਰ।